के हिंदू गॉड्स आर एंग्री बिकॉज देयर नेम इज बीइंग यूज्ड इन द रेप. मतलब भगवान के नाम, भगवान राम भी मतलब बेचारे बड़े दुखी हो रहे होंगे क्योंकि उनका नाम यूज हो रहा है. फिर तो इस हिसाब से तो भैया मोहम्मद तो तुम्हारी पूरी जमात में लगता है, ये सारे बलात्कारी सारे आतंकवादी मोहम्मद 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 ही है. मुंह मत खुलवाओ अभी मेरा, तुम्हारे लेवल तक मैं गिर नहीं सकती हूँ. मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करोगे तो ही तुम्हारे धर्म को रिस्पेक्ट करने वाली हूँ, वरना भाड़ में जाओ. डरती नहीं हूँ किसी से, कर लेना फतवे जितने लगाने उतने. ये सारी औरतें, ये सारी जमात जब लव जिहाद की बात आती है तो कहती है ये तो बड़ा प्यार है, मुझे हिंदू मुसलमान शादी करे उससे दिक्कत नहीं है. प्यार में पढ़कर मुझे दिक्कत इस बात से है कि लड़का हिंदू बनके मुस्लिम हिंदू लड़की को फंसाता है, मुस्लिम लड़का हिंदू बनके हिंदू लड़की को फंसाता है, शादी के बाद उसको कन्वर्ट करने पे फोर्स करता है, उस पर अत्याचार करता है, अपने बाप से, अपने भाइयों से, अपने चाचाओं से उसका बलात्कार करवाता है, उसका धर्म परिवर्तन नहीं करती तो उसका मर्डर करता है, या फिर कहीं उसको पाकिस्तान या सीरिया में जाके बेच देता है. मुझे इस चीज से तकलीफ है. प्यार में मैं मानती हूं कि ना कोई नाती होती है, ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई बंधन होता है, मगर प्यार अगर तुम्हारे मस्जिद से 6-6, 7-7 लाख में बिकता है कि हिंदू की लड़की लाओगे ब्राह्मण की तो 6 लाख रुपए, जैन की लड़की लाओगे तो 3 लाख रुपए, सिख की लड़की लेके आओगे तो 5 लाख रुपए, गुजराती हिंदू लड़की ब्राह्मण लड़की लेके आओगे तो 7 लाख रुपए, ये जब बोलियां लगती है ना, मुझे इससे तकलीफ है. ये जो मैं सारी आपको दिखा रही हूं, सारी हिंदू लड़कियां हैं जिनके साथ में लव जिहाद हुआ और इन सारी लड़कियों ने अपनी जान दी है, ये सारी जान से मारी गई है, इन सारी लड़कियों का मर्डर हुआ है, तब ये कुछ नहीं बोले भैया. तब क्यों बोलेंगे? क्योंकि हिंदू लड़कियां हैं ना, मूर्ख है, मरने चली गई, कौन खड़ा हुआ इनके पीछे? कोई हुआ? अगर इसमें से कोई आशिफा होती, कोई शहनाज होती, कोई मुमताज होती, कोई अखलाक होता, कोई जुनैद होता, छाती खुट कूट के आ जाते ये सारी दोगले लोग. अब मैं इनको एक तरफ ये आशिफा की बात करते हैं, और हम ये आशिफा ये हमारी 6 साल की बिहार की बेटी, इसके लिए नो आउटरीच, नो मीडिया कवरेज. वाई? क्योंकि इन लोगों को पैसा जो है, इनको राजनीति करनी है, ठीक है? इनको राजनीति करके इन दलाल मीडिया को पैसा कमाना है. मोदी क्या है? मोदी बिस्किट नहीं देता इन दलाल कुत्तों को, इन मीडिया को, इस भांड मीडिया को, इसलिए इनको तकलीफ होती है. मुझे क्षमा करिएगा, आज मेरे शब्द है ना थोड़े से तीखे है, पर खून खौलता है जब हमारे धर्म को, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे भगवान को और हिंदुत्व को डिफेम करते हो ना, तो खून खोलता है. जिनका नहीं खोलता ना, वो दोगले हिंदू है. अब मैं आपको ये घटना बताती हूँ, बहुत सारी घटना लेके आई हूँ, बहुत सारी, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, आप सुनते रहिए. एक आशिफा की बात कर रहे हो, मेरी छोरी आशिफा भी मेरी बेटी है, दर्द होता है, पर इन बेटियों का क्या गुनाह, इन बेटियों का क्या गुनाह, क्योंकि ये हिंदू है. 15 मार्च 13 साल की लड़की जो कि आदिवासी लड़की थी, उसका मर्डर किया जैशुमुद्दीन बहरुगुया हाइलाकंडी डिस्ट्रिक्ट से 15 मार्च को. 16 मार्च को एक औरत का गैंगरेप करता है नजरुल इस्लाम, सुल्तान अली, मुमताज अली और 5 और उसके साथी, उसके हस्बैंड के सामने ही नायगांव में. ये सारी घटनाएं आप टाइप करके देखना, आपको मिलेगी. 23 मार्च को 21 साल की लड़की का जाकिर हुसैन, उसके साथ 2 और उसके दोस्त गैंगरेप करते एक 10 साल की लड़की का, और फिर उसको उसके घर में ही जिंदा जला देते. बट इस पे क्यों कोई बोलेगा, भाड़ में गया हिंदू की लड़की, ये कीमत है क्या हिंदुस्तान में हिंदू की? और फिर कहते हैं कि भगवा आतंकवादी और हिंदू आतंकवादी. होता ना तो मजाल दी कि तुम लोगों की इतनी जुर्रत हो जाए कि अपनी नजरें हमारी छोरियों पे लगा दो तुम. ये एक और डॉटर, अभी की बात है, रिसेंट. Another daughter of India, minor girl was raped and murdered at Barpeta district, Assam, जिसमें एक illegal बांग्लादेशी ने उसका बलात्कार किया. No media outrage. क्यों भाई? बांग्लादेशी तो इनके सगे लगते हैं, रोहिंग्या इनके सगे लगते हैं, एक ही माँ की कोख से जने हैं ये बांग्लादेशी रोहिंग्या और यहाँ के लोग. क्यों करेंगे, क्यों बोलेंगे? CPM के बंदे ने कविता कलोई का मर्डर और रेप किया, क्यों बोलोगे भाई? कविता है थोड़ी ना कोई शबनम है. खादिम ने 14 साल की जायरीन किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, मुस्लिम बंदा मुस्लिम लड़की के साथ करा है, बट फिर भी नहीं बताएंगे क्यों.
मुस्लिमों से प्यार जो उमड़ रहा है यार, खबरदार जो मतलब मुस्लिमों की इमेज को ये लोग डिफेम करें, इनको पैसा मिलता है कि उनको बड़ा ही अच्छा सा दिखाओ। लोगों को आशिफा याद है, मगर वो कश्मीरी औरतें याद नहीं है। वो 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया, धर्म परिवर्तन कराए, औरतों को मारा, तब ये कहाँ थे, उनके साथ दुष्कर्म हुए। इनको निर्भया याद नहीं है, ठीक है। और ये कहते हैं ना कि निर्भया के लिए हम सब खड़े हुए थे। मुंबई की वो पत्रकार याद नहीं है, यूपी की वो बुलंदशहर की माँ बेटियां इनको याद नहीं है, हिमाचल की गुड़िया इनको याद नहीं है। क्यों? हिमाचल में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी ना, और गुड़िया, और उस वक्त इलेक्शंस थे सिर पे, और गुड़िया क्या है, हिंदू लड़की थी। कैसे करेंगे भाई, क्यों करना है, पैसे थोड़ी कोई दे रहा है हिंदू के लिए, मुसलमान को रक्षा देने के लिए इनको पैसे मिलते हैं वेटिकन सिटी से, विदेशों से, ये क्रिश्चियन कंट्रीज से, इस्लामिक स्टेट से। और बांग्लादेश का जो लज्जा केस है वो तो मतलब जैसे ये भूल ही गए, इनको कुछ लेना देना ही नहीं बांग्लादेश में लज्जा केस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। ये मिराज आलम के लिए एक शब्द कोई बोला, आज तक की पत्रकार ने एक न्यूज दिखाई है कल जो मैंने डाली है अपने टाइमलाइन पे, देखिएगा। लोग बोलते हैं कि फेक न्यूज बता रहे हैं, फेक न्यूज थी वो, सच्ची न्यूज थी और वो आ भी गई है हर जगह, बट कोई बोलेगा नहीं। अब सुनो, 19 नवंबर 2017 पश्चिम बंगाल में बांकुरा लामबड़ एरिया में 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसका मर्डर हो जाता है, करने वाला कौन, शांति दूत। 14 मार्च 2018 अभी की बात कर रही हूँ, एक 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट, एक शांति दूत ने तस्वीर खींची, मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट थी 20 साल की पश्चिम बंगाल में, उसकी नहाते हुए एक शांति दूत ने तस्वीर खींची। उसी तस्वीर खींचने के बाद वो उसको ब्लैकमेल करने लगा, और उसके बाद बार बार बलात्कार किया, फिर लड़की ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। कौन बोलेगा, इनकी अम्मा बैठी है ना, ममता बनर्जी, तो जरूरत है यूपी में कुछ होता है योगी इस्तीफा दो, मगर पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो नहीं भैया, ममता अम्मी तो हमारी अम्मी है, हम उससे कैसे इस्तीफा ले सकते हैं, हिपोक्रेट्स। पश्चिम बंगाल 21 फरवरी 2018, कलकत्ता में एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, ये सारे शांति दूतों ने किए। नवंबर 7, 7 नवंबर 2017 पश्चिम बंगाल में कलकत्ता नाडिया डिस्ट्रिक्ट में एक जो नन वाला केस था, आपको पता होगा वो नन रेप केस, आप टाइप करिएगा, नन का रेप हो जाता है, ये लोग छाती कूट कूट के बोलते हैं कि हिंदू ने रेप किया, मतलब कि जैसे ही रेप होता है ना, जैसे गौरी लंकेश वाला था कुछ होता है, तुरंत ही हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, 10 दिन तक खबरें चलाएंगे, जब तक सीबीआई की रिपोर्ट आती है तब तक तो सारे उड़न छू हो जाते हैं। क्यों? गौरी लंकेश का बात कहूं या इसकी नन की बात कहूं, जब सारी तफ्तीश हुई और सारे रिजल्ट आए सामने, 10 दिन तक इनको जितना डिफेम करना था उतना सरकार को कर दिया, हिंदुओं को कर लिया, सबको खराब कह दिया। और जब ये बात खुली कि करने वाले शांति दूत थे जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, तो किसी ने, मीडिया ने माफी नहीं मांगी, किसी ने वापस इसकी सच्चाई खबर नहीं दिखाई। पश्चिम बंगाल में 7 मार्च 2018 को अभी 3 साल की बच्ची के साथ एक बस क्लीनर ने रेप किया उसके 5 साल के भाई के सामने। वो भाई गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी बहन को छोड़ दो, 3 साल की बच्ची को छोड़ते नहीं हो और हमें आके सिखाते हो हमारा धर्म। फरवरी 5, 2018 पश्चिम बंगाल में 13 साल की बच्ची के साथ 6 लोग मिलकर सामूहिक बलात्कार करते, सारे के सारे शांति दूत। हिंदुओं की हालत देखो क्या हो रही है, पर तुम हिंदू मत बोलना, तुम सोए हुए रहना, तुम यही करना जब तक ये शांति दूत तुम्हारे घर के बाहर आके तुम्हारा दरवाजा खटखटाकर तुम्हें गिरेबान से खींच के बाहर ना निकाल दे, या तुम्हारी बेटियों के साथ धर्म परिवर्तन ना कर ले, या जबरन शादी ना कर लेना, तब तक तो तुम्हारी आंख ही नहीं खुलेगी। ये जो पश्चिम बंगाल के लोग आज हिंदुओं की जो हालत है ना, ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने आवाज नहीं उठाई। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ ना, वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो लड़े नहीं। सच में है ना, हिंदू को आतंकवादी बनना चाहिए था, बन जाते ना तो जरूरत थी कि देश बटता और ये हालत होती हमारी। 20/12/2017 को कर्नाटका की एक 14 वर्ष की दलित लड़की के साथ निर्भया की तरह ही 6 लोग मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं और फिर हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है, मगर कर्नाटका के मुख्यमंत्री से कोई इस्तीफा नहीं मांगेगा भाई। कांग्रेस के जो है पालतू है ये सारे कुत्ते, वो सोनिया माता सबको डालती है बिस्किटे, जो मजाल कोई कह दे उस पे कोई कुछ नहीं बोला। बंगाल में 7 साल की एक मुस्लिम लड़की के साथ मदरसा का ही मौलवी शहनवाज बलात्कार करता है तो भी नहीं बोलते, मगर मुस्लिम लड़की की कब न्यूज बाहर आएगी, जब उसके साथ अगर कुछ खराब जाने अनजाने अगर कोई हिंदू करता है तो। मैं डिफेम नहीं कर रही हूं, जिसने भी किया हो मार डालो उसको, मैं अगेन कह रही हूं,
चालू मत हो जाना शांति दूत, या जो दोगले हिंदू है कि देखो ये कैसी औरत है, एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही, ये ऐसे बोल रही है, ये वैसे भी ये नौटंकी मेरे सामने तो करना ही मत, समझ गए। फरवरी के 23 तारीख 2018 को जमीन के लिए एक दलित परिवार के साथ इन शांति दूतों की लड़ाई हुई। ये दलितों पर जितना अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहा है ना, बहुत दलित दलित अभी जय भीम कर रहे, जाके हालत देखो। और ये जिग्नेश मेवानी और मायावती को कहो ना कि सांप क्यों सुन जाता है, ये सारे खबरें झूठी नहीं है, पर सब तब मुंह में कपड़ा ठूस के बैठ जाते हैं। बलात्कार करने की कोशिश करी, क्योंकि वो जो दलित परिवार है वो हिंदू परिवार है, दलित हिंदू परिवार है, उन्होंने जमीन का टुकड़ा देने से इनकार कर दिया, तो उनकी महिलाओं को घर में घुसकर बलात्कार करने की कोशिश करी। जब नाकाम हुए तो कुल्हाड़ी से उन लोगों पे हमला किया। नाम क्या था पता है? शकील शाहिद और मोहम्मद अली, नहीं बोलेंगे भाई। गाजियाबाद 7 फरवरी 2018 अभी की बात कर रही हूं, एक केस ऐसा हुआ जहां लड़की का रेप हुआ, रेप होते वक्त उसकी वीडियो बनाई और उसको बराबर ब्लैकमेल किया, उसको शादी और धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेल कंटिन्यू करते रहे। शांतिदूत का नाम पता है क्या है? मेहताब। ये ऐसे काम करते। सुनो तुम, जब तुम धार्मिक मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा बनाते हो तो मेरे को तो बहुत आते हैं, क्योंकि हिंदू तो 1% शायद ही 0.001% भी क्राइम नहीं करता है, पर 99.99% जो क्राइम होते हैं ना, बड़ा दर्द हो रहा है ना तुमको, तुम्हारे शांति दूत ही करते हैं। क्यों इन लोगों को बर्मा से भगा के भेजा, म्यांमार से इन लोगों को क्यों भगा के भेजा, क्यों इनको वेस्ट वहां बांग्लादेश से भगा के भेजा, इनके काम ही ऐसे, ये इन लोगों को सीधा रहना नहीं, इनको आतंकवाद फैलाना, इसलिए मार खा के आते हिंदुस्तान में आके कहते हैं कि मुस्लिम अनसेफ है। हमीद अंसारी कहता है अनसेफ है, तो पूरे 56 इस्लामिक स्टेट होने के बाद भी इन बांग्लादेशी के रोहिंग्या को क्या हमारे देश में घुसना है, तब अनसेफ नहीं लगता है? वापस हिंदुओं को बोल रहे हो। दिल्ली 28 फरवरी 2018 मदरसा का टीचर जाकिर आलम 9 साल की बच्ची का रेप कर देता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब ये औरतों का ठेका लेके बैठी है स्वाति मालीवाल और ये अरविंद केजरीवाल और ये अलका लांबा, कुछ नहीं भौंकते, इनको अब भौंकना है। फरवरी 28, 2018 इलाहाबाद यूपी की घटना, लड़की ने धर्म परिवर्तन से मना किया तो चार लड़कों ने बलात्कार किया और खुद को बचाने के लिए उस लड़की के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं। फरवरी की 24 तारीख 15 साल की आदिवासी लड़की झारखंड की, उसके साथ गैंग रेप हुआ, फिर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया। लड़के का नाम था इशरर सद्दाम और शाहिद आलम। सुन लो भाई, जल रही हो ना तो जला लेना अपनी, सच है ना, सामने आता है। और जब हम सच बोलते हैं ना, तुम्हें बड़ा कड़वा लगता है, लगे मेरी बला से, डरती नहीं हूं। और मुझे कह दो कम्युनल, मुझे कह दो एक्सट्रीमिस्ट, और जो लोग, जो औरतें चुप बैठी या जो मर्द चुप बैठे ना, थू है आप लोगों पे। दिल्ली फरवरी 23 तारीख 16 साल की लड़की, धर्म छिपाकर उसके साथ दोस्ती की, फिर बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और निर्भया की तरह उसके गुप्त अंगों पर चोट पहुंचाई। लड़की के परिवार ने लव जिहाद की रिपोर्ट भी लिखवाई। हिंदू बनकर लड़की को फंसाया और फिर उसने धर्म परिवर्तन से मना कर दिया तो उसके साथ ऐसा किया। बट फिर भी कहते हैं हम लव जिहाद को नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। जब ऐसी घटना होती है, कहां चला जाता है ये जिग्नेश मेवानी जैसा घटिया दोगला इंसान। असम में एक टाइम था जब 75% मेजोरिटी हिंदू थे, ये जो धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चल रही है ना, आज 45% हिंदू रह गए 75 में से, और वो वहां पे माइनॉरिटी बन गए। नायगांव की घटना मैं आपको बता रही हूं कि इल्लीगल बांग्लादेशी, नाम था जाकिर हुसैन, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर असम में 10 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया, फिर उसको जिंदा जला के मार दिया। ये इतने क्रूर होते हैं, हमें बोल रहे हो ना तुम, अब तुम्हारी जात, तुम्हारी औकात और तुम्हारी हरकतें सुनो। 2 मार्च 2018 26 साल की दलित का बलात्कार हो जाता है कर्नाटका में, पर तब कोई नहीं बोलेंगे, अभी बड़े दलित 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 हो रहे हैं, मगर उसी दलित के साथ जब अन्याय होता है तब कोई कुछ नहीं बोलता, और तब हिंदू बन जाता है वो सडनली, और कुछ अत्याचार होता है तो वो सडनली दलित बन जाता है। वाओ, मतलब क्या हिपोक्रेसी है ये मीडिया जमात की।